हेलो गाइस, दिस इज रितेश। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सेशन वेरिएबल के बारे में बताने वाला हूँ। सेशन वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डेटा को स्टोर करता है सर्वर साइट। पिछले दो वीडियोस में हमने कुकीज़ के बारे में डिस्कशन किया, और अगर हम कुकीज़ को सेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस ये है कि कुकीज़ वेरिएबल जो है वो डेटा स्टोर करते हैं क्लाइंट साइट, और सेशन वेरिएबल डेटा स्टोर करते हैं सर्वर साइड। कुकीज परसिस्टेंट भी हो सकते हैं, नॉन परसिस्टेंट भी हो सकते हैं, बट सेशन वेरिएबल्स आर नॉन परसिस्टेंट। वो परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं सर्वर मशीन पर। तो जब तक आपका ब्राउज़र ऑन है तभी तक सेशन वेरिएबल वहाँ पर रहेगा, और जैसे ही आप ब्राउज़र को क्लोज कर दोगे सेशन वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। अब सेशन वेरिएबल की ज़रूरत कहाँ पर है? तो जब भी आप कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाते हो यूज़र स्पेसिफिक, तो कौन यूज़र है जो पेजेस को एक्सेस कर रहा है, उसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन उस पेज के ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ट्रैक रखने के लिए हम सेशन वेरिएबल को यूज़ करते हैं। सेशन वेरिएबल जैसे ही एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसको आप किसी भी पेज के ऊपर एक्सेस कर सकते हो, और जैसे ही आप ब्राउज़र को क्लोज कर दोगे तो वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। सेकेंड, आप सेशन वेरिएबल को मैन्युअली भी डिलीट कर सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट सेशन वेरिएबल की एक एक्सपायरी होती है, एक टाइम होता है। अगर उतना टाइम पेज आपका आइडल रहता है तो भी सेशन वेरिएबल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिकली यहाँ पर बता देता हूँ, कैसे सेशन वेरिएबल को क्रिएट करना है, कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक पेज डिज़ाइन किया है जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। सिंपल पेज है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं जो भी ईमेल आईडी एंटर करूंगा, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ईमेल आईडी सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर होना चाहिए, और फिर मैं उस सेशन वेरिएबल को दूसरे पेज के ऊपर एक्सेस करूंगा। तो ये वाला हमारा पहला पेज है। तो चलिए यहाँ पर कोड लिखते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जिस किसी पेज पर आप सेशन वेरिएबल को क्रिएट करोगे या फिर यूज करोगे, उस पेज के स्टार्टिंग में उन वेरिएबल्स को यूज करने से पहले आप लोगों ने एक मेथड कॉल करनी है, दैट इज सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। अगर ये मेथड आप कॉल नहीं करते हो तो आपका सेशन वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। जो भी आप कोड लिखोगे कुछ भी डेटा वहाँ पर स्टोर नहीं होगा और रिट्राइव नहीं होगा। सो डोंट फॉरगेट टू कॉल दिस मेथड। ये मेथड अगर कॉल होती है तो ही जाके सेशन वेरिएबल आपका क्रिएट होगा, एंड दैट मस्ट बी द बिफोर यूजिंग ऑफ योर सेशन वेरिएबल। तो इसके बाद आप सेशन वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आई विल राइट इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट btn सबमिट। अगर सबमिट बटन क्लिक होता है तो मुझे इस ईमेल आईडी को स्टोर करना है सेशन वेरिएबल के अंदर। सो लेट्स क्रिएट द सेशन वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर सेशन, मैं इसको नाम दे देता हूं ईमेल, इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट txt ईमेल। तो पीएचपी के अंदर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, दैट इज डॉलर अंडरस्कोर सेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल हम सेशन वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक एसोसिएटिव एरे है, जैसे कि मैंने बताया कि पीएचपी के अंदर जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है ऑल आर एसोसिएटिव एरे। तो ये वेरिएबल आपके सेशन वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है। ओके, सो यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ सेशन वेरिएबल एंड यू कैन स्टोर इनसाइड द डॉलर अंडरस्कोर सेशन। नेक्स्ट आई विल नेविगेट ऑन नेक्स्ट पेज जहां पे मुझे इस सेशन वेरिएबल को एक्सेस करना है। सो हेडर लोकेशन कोलन, मैंने एक पेज यहाँ पर डिजाइन किया है यस शो डॉट पी एच पी, मीन्स सेशन शो डॉट पी एच पी। सो दैट पेज आई हैव टू डिस्प्ले। अब जैसे ही ये पेज डिस्प्ले होता है तो मुझे उस सेशन वेरिएबल को रीड करना है। तो अब दोबारा से मैं इस पेज के ऊपर सेशन वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, सो आई हैव टू कॉल सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और उसके बाद आप यहाँ पर यूज कर सकते हो सेशन वेरिएबल को। राइट ईमेल इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन
and name of your session variable, that is email. Before printing this particular name, आप यहाँ पर चेक कर लो कि वो सेशन वेरिएबल क्रिएट हुआ है या नहीं, और कोई भी वेरिएबल क्रिएट है या नहीं हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईच सेट. सो आई विल राइट ईच सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन ईमेल. अगर ये वेरिएबल सेट है तो ही जाके उसकी वैल्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज हम सिंपली एक एरर मैसेज यहाँ पर दे देंगे एल्स इको सेशन वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो सिंपल कोड यहां पर लिखा है. नाउ लेट्स रन दिस. सो यू कैन सी हियर ईमेल इक्वल्स टू रितेश एट द रेट gmail.com. ये हो गया सेशन वेरिएबल को क्रिएट करना. नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू मॉडिफाई सेशन वेरिएबल. सेशन वेरिएबल को मॉडिफाई करना काफी आसान है. जस्ट यूज दिस. मैं इसी पेज के ऊपर इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूं xxx@xx.com. जैसे हम किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप सेशन वेरिएबल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं. हियर यू कैन सी xxx@xx.com. किसी पर्टिकुलर सेशन वेरिएबल को अगर आपको क्लियर करना है, सो यू कैन राइट हियर अनसेट मेथड एंड नेम ऑफ द सेशन वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर सेशन ईमेल. अब देखिए सेशन वेरिएबल तो क्रिएट हुआ है, इस पेज पर आते ही वो क्लियर हो गया, और जब आप इस कंडीशन को चेक करोगे सो यू विल गेट हियर सेशन वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट. सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज अगेन एंड लेट्स सी दिस. सो यू विल सी हियर सेशन वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट. बाय डिफॉल्ट सेशन वेरिएबल की अपनी एक एक्सपायरी होती है, और जैसे ही वो टाइम आउट हो जाता है तो सेशन वेरिएबल्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं. तो उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर कोड को कमेंट में डाल देता हूं, और यहां पर मैं एक सबमिट बटन ले लेता हूं. राइट, सो आई टेक अ सबमिट बटन. सो आई कॉपी दिस कोड एंड आई पेस्ट हियर. Just to refresh the page, I am taking this control X. आप F5 से भी पेज को रिफ्रेश कर सकते हो, नो मैटर. मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ, राइट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ रिफ्रेश. आई विल नॉट राइट एनी कोड फॉर दिस. ये बटन जो मैंने लिया है जस्ट पेज को रिफ्रेश करने के लिए लिया है. ओके, तो यहां पर इस पेज के ऊपर हम आ रहे हैं आफ्टर क्रिएटिंग द सेशन, और अगर ये पेज पर्टिकुलर टाइम के लिए आइडल रहता है तो उस टाइम आउट के बाद सेशन वेरिएबल जो है वो अपने आप क्लियर होते हैं. अब देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो सेशन वेरिएबल का टाइम आउट होता है वो क्या होता है. दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन PHP कॉन्फिग्रेशन फाइल, दैट इज php.ini. तो उस फाइल को मैं यहां से ओपन कर देता हूं. सो वी हैव अ XAMPP कंट्रोल पैनल, and in XAMPP control panel you will get a shortcut to open that particular file. यहां पर आपने config में जाना है और यहां से आपको मिलेगी php.ini. इसमें आपने सर्च करना है session.gc, और इस सेटिंग में आपको एक वैल्यू मिलेगी यहां पर, दैट इज session.gc_max_lifetime. And you can read the description about this. After this number of seconds, stored data will be seen as garbage and clean up by the garbage collection process. तो ये जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है session.gc_max_lifetime 1440, तो ये सेकेंड्स है, और ये सेकेंड होते हैं 24 मिनट्स. तो बाई डिफॉल्ट जो सेशन की एक्सपायरी है वो है 24 मिनट्स,
उतने समय के बाद सेशन वेरिएबल जो है वो अपने आप क्लियर हो जाता है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, आई विल चेंज दिस, मैं इसको सेट कर देता हूँ 1 सेकेंड, और अगर एक 1 सेकेंड काफी शॉर्ट टाइम हो गया है, इसको मैं दे देता हूँ उसे 10 सेकेंड। तो अगर 10 सेकेंड के लिए मेरा पेज जो है आइडल रहता है, तो जो सेशन वेरिएबल्स उस पेज के ऊपर क्रिएट हुए हैं वो अपने आप सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप वो सेटिंग कर देते हो, एक बार आपने इस सर्वर को स्टॉप करके स्टार्ट कर देना है, एंड देन यू कैन सी, नाउ लेट्स रन द पेज। दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और इस पेज को जैसे कि हमने 10 सेकेंड वहां पर सेट किए, 10 सेकेंड के लिए मैं इस पेज को आइडल रखता हूँ। बिल्कुल कोई भी मोमेंट इस पेज के ऊपर नहीं करनी है, माउस को भी आपने मूव नहीं करना है। तो अपने आप जो सेशन वेरिएबल यहां पर क्रिएट हुआ है वो एक्सपायर हो जाएगा। ओके, आई थिंक सो इट्स नॉट वर्किंग। आपको अपाचे सर्वर को स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करना है, तो उसी तभी जाके वो सेटिंग्स वहां पर एक्सेप्ट हो जाएंगे। यू कैन ट्राई योर ओन, यू कैन टेक दिस एज अ असाइनमेंट। सो इट इज नॉट वर्किंग हियर। ओके, तो आप लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो जो भी सेटिंग हमने यहां पर देखी है। तो ये थे सेशन वेरिएबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉगिन किस तरीके से क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ सेशन वेरिएबल। तो लॉगिन, लॉग आउट, एंटायर कोड वी विल सी इन कमिंग वीडियो लेक्चर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।